फिफ्थ क्वेश्चन पेज नंबर 76 कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस. तो एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है देन इट्स बेस. बेस बेस बड़ा है, एल्टीट्यूड छोटा है. अगर ये एक्स है तो ये एक्स माइनस 7 है. लेट बेस इज एक्स सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर. इट्स हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर है. तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या हुआ कि एक्स माइनस 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इट इज 13 स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169. एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड करिए और माइनस 14x माइनस 169 इट इज इक्वल्स टू 0. अब 2 × 169 तो 2 × 13 × 13 इसको ऐसा तोड़ो कि 14 आ जाए. 13 × 2 जा क्या होता है 26 और 13 क्या इससे आएगा? इससे तो नहीं आएगा. तो लेट अस हैव सम अदर, बट ये तो 13 का स्क्वायर है. सो फाइंड द अदर टू साइड्स 13 × 169 तो ये है 49 छोड़ दिया. हाँ 49 नहीं लिखा है तो 49 प्लस का है तो उससे कितना आ जाएगा? नाउ इट इज प्लस का और ये 169 तो फिर दैट विल बी 1 हाँ इट इज माइनस का 120 हो जाएगा. अब देखो 120 × 2 दैट इज 240 तो 240 के अब प्राइम फैक्टराइजेशन करो. माइनस 24 ये सही है. सो 2x² माइनस 24x प्लस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0. तो 2x कॉमन ले लीजिए और 10 कॉमन ले लीजिए. सो दिस विल बी 2x प्लस 10 एंड x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और इट इज 0. तो x कितना आ जाएगा? यह 12 आ जाएगा. बट x कैन नॉट बी निगेटिव, साइड कैन नॉट बी निगेटिव. इसलिए ये वैल्यू रिजेक्टेड है और ये वैल्यू सेलेक्टेड है. सो x अगर 12 है सो बेस कितना हो गया? तो एल्टीट्यूड कितना हो गया? दैट इज 12 माइनस 7 क्योंकि x माइनस 7 लिखा था तो 5 सेंटीमीटर. अब देखिए नाउ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसर्स अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे. इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. सो लेट एक्स आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड पर डे. तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना हो जाएगा श्रीजन? बोल बताइए.
रुपीज, यस बोलो, टू एक्स प्लस थ्री, ये ठीक है, रुपीज भी बोल दिया आपने, बहुत अच्छा किया. सो नाउ इट इज नाउ रुपीज टू एक्स प्लस थ्री. तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा ऑफ प्रोडक्शन, इट इज इक्वल्स टू, है पेज बुक खुली हुई है बेटा आपकी, तो उसमें लिखा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल इज थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी एक दिन में जितने आर्टिकल बनते हैं उसके दुगने से तीन ज़्यादा, ये एक आर्टिकल की लागत होती है. एक आर्टिकल को बनाने में कितना पैसा लगता है, आप जितने आर्टिकल बनाओगे उसकी एक आर्टिकल की, आर्टिकल का मतलब है कोई भी चीज़ है, आर्टिकल का मतलब है वो कोई वस्तु हो सकती है, चाहे दिया बना रहे हो या कोई खिलौना बना रहे हो, कोई भी आर्टिकल है, तो उस आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड पर डे. तो देखो किया कि नहीं, थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यही कॉस्ट है, ये एक की कॉस्ट है. तो फिर एक्स की कॉस्ट कितनी हुई, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, सो दैट इज इक्वल्स टू एक्स आर्टिकल बनाए गए और एक आर्टिकल की कॉस्ट टू एक्स प्लस थ्री है, और टोटल कॉस्ट कितनी दे रहा है, 90. प्रवीण समझ में आ गई बात. अब देखो टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 90, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो. अब इसका स्प्लिट करो 180 का, ऐसा तोड़ो कि 3 आ जाए, कोई आइडिया है, ट्वेल्व इंटू 15, ये सही है. सो प्लस 15x माइनस, ये ठीक है, 12x माइनस 90 इज इक्वल टू ज़ीरो. तो x अगर कॉमन ले लिया जाए तो 2x प्लस 15, और यहाँ क्या कॉमन ले लें, 6 कॉमन ले लो, तो 2x प्लस 15 दैट इज इक्वल्स. हाँ बोलो, हाँ एक ही बात है, उससे भी कर लेंगे, अभी कर लेते हैं. तो अब ये देखो x माइनस 6 है और 2x प्लस 15 दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो और इट इज इक्वल टू ज़ीरो. तो x कितना आ गया, 6, या x कितना आ गया, माइनस 15 बाई 2. ये रिजेक्टेड, क्योंकि आर्टिकल्स की संख्या निगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए इसे क्या करना पड़ा, रिजेक्टेड. ठीक है, रिजेक्टेड, और ये सेलेक्ट हो गया. सो इससे नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ गए, नाउ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड सो अब वो पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इट इज इक्वल टू 6 एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या हो गई, इसका दुगना करो और 3 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा. अगर एक की लागत 15 रुपये और 6 चीज़ें बनाई गई तो बताओ टोटल कितना हो गया, 90 हो गया क्या, यहाँ वेरिफिकेशन भी हो गया. समझ में आई बात, स्क्रीन ठीक नहीं आ रही क्या, बताइए. ओके नाउ ओके नाउ अब देखिए, तो ये इसको इसमें मैं मल्टीप्लाई करो तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी आ गई, रुपीज़ 15,
और कितने आर्टिकल एक दिन में बनाए गए? 6, तो ये टोटल हो गया 90 रुपीज़। हाँ बोलिए। अच्छा उसको सही कर देते हैं, अगर कुछ ब्लू आ रहा ए, है अभी सही है। ओके मैं ठीक कर देता हूँ, ये अभी ठीक है। हाँ सर चलो अभी क्लीन कर देते हैं। कुछ साफ हुआ सर? ये जो रिजेक्ट हो रही है जस्ट होल्ड कुछ नाउ एक मिनट। अब देखो अभी कुछ ठीक हुआ? सम इम्प्रूवमेंट और स्टिल इट इज नॉट क्लियर। ओके नाउ सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हम कहते थे कि हमारे फैक्टर नहीं बन रहे हैं, लेकिन अब वो कह रहा है फैक्टर बने या ना बने आपको सॉल्व करनी ही है इक्वेशन। अभी हम देखते थे प्राइम फैक्टराइजेशन और उनका जोड़ा बनाते थे। ओके बट इन दिस केस नाउ वी हैव टू सॉल्व इट बाय सम अदर मेथड जिस पर फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जैसे कि मान लो हमारे पास इस तरीके से आए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इट इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं? प्लस 4 भी हो सकता है, प्लस 3 भी हो सकता है। मान लीजिए प्लस 3 है तो अब हम क्या करेंगे? 3 को ऐसा तोड़ो कि 5 आ जाए। बोलो तोड़ सकते हो? तो अब क्या करोगे? क्या इसे ऐसे ही छोड़ दोगे? क्या नहीं छोड़ सकते हो? तो ऐसे केस में व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिलाई ऑन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो पहले का स्क्वायर करो, ठीक है, और जरा देखें कि नाउ इसका स्क्वायर कर दिया और इसको लिखो माइनस 2 ए। ए कितना है? क्या ए एक्स है? ए कितना है? 2 इंटू ए इंटू बी। बी को क्या लिखोगे? क्या 5/2 लिखोगे? देखो वही चीज आ गई कि नहीं। बी को अपने आप जनरेट करना है, बी आपको दिया नहीं है, बी को जनरेट करना पड़ेगा। तो और यहां अपने मन से बी स्क्वायर भी लिख दो और इसी बी स्क्वायर को माइनस भी कर दो और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर से देखो ये अभी बता रहा हूं, जो 5x है उसको 2ab के टर्म्स में प्रदर्शित करो। 2 इंटू ए, ए में तो डाउट नहीं है कि x है। अच्छा b ऐसा बनाना कि 5x आ जाए, तो बताओ यहाँ क्या लिखोगे? क्या 5/2 लिखोगे? तभी तो 2 कट के 5x आएगा। अब जब हमें b का पता चल गया है तो हमें b स्क्वायर की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वही तो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। तो क्या आपको b स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी? यदि b स्क्वायर आपने जोड़ा है तो उसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, नहीं तो इक्वेशन फिर बैलेंस नहीं रहेगी। भाई आपने बी स्क्वायर किससे पूछ के जोड़ा? अच्छा ठीक है जोड़ दिया तो उसे सब्ट्रैक्ट भी करो, कम से कम जो इक्वेशन है उसका संतुलन तो बना रहे। यू कैन नॉट एड एनीथिंग ऑन योर ओन, सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट ऑल्सो इफ यू आर एडिंग समथिंग।
बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? बोलो। यही बी है, दिस इज टू ए बी, और ये क्या है? यहाँ से बी की पहचान हो गई, यही जो ब्रैकेट में लिखा यही बी है। अब इसी को जोड़ दो, अब बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, तो ये जो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर है, इसके अंदर आपने जो लिख दिया, क्यों लिखा? सो दैट यू कैन प्रोक्योर द सेम इनिशियल इक्वेशन। फिर से देखो, और अब आपके पास फालतू क्या बचा? थ्री उधर चला जाएगा तो माइनस में थ्री, और ये उधर चला जाएगा तो क्या होगा? प्लस में, और जरा स्क्वायर भी करो। समझ में आ गई बात? जरा देखो, नाइन एक्स स्क्वायर, सो नाइन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, मान लो ये इक्वेशन है, उसको छोड़ दो पिछली वाली को, इसे देखो। नाउ क्या इसे आप थ्री एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो? क्या आपको माइनस टू इंटू ए, अब इंटू बी भी लिखना पड़ेगा? बी का ऐसा चुनाव करो, मुझे कोई बता सकता है मैं बी क्या लूं कि फाइव एक्स आ जाए? अनीशा बताओ। बताओ, फाइव बाई सिक्स सही बता रही है, फाइव बाई सिक्स बताया। अब जरा देख लो क्या वही आ रहा है। तो आपके पास ए स्क्वायर हो गया है माइनस टू ए बी हो गया है, क्या बी स्क्वायर नहीं चाहिए? बोलो। तो बी स्क्वायर क्या लोगे? क्या फाइव बाई सिक्स का स्क्वायर नहीं लोगे? और अगर जो लिया है तो अब सब्ट्रैक्ट भी करो। क्यों सब्ट्रैक्ट करोगे? कोई चीज अपने मन से तो ऐड नहीं कर सकते किसी इक्वेशन में। बोलो, यहां तक बात समझ में आ गई? अब यहां से देखो, इसको इन सबको पहले मल्टीप्लाई करके देखो, अगर नहीं समझ में आता है तो ये लिखो 2 इंटू थ्री एक्स और इंटू बी, हमें समझ ही में नहीं आ रहा है, अनीशा को आ गया लेकिन हमें नहीं आ रहा है, तो इसे क्या आना चाहिए बताओ? माइनस टू इंटू थ्री एक्स इंटू बी, क्या इसे माइनस फाइव एक्स नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो अब मैं बी का पता कर लूँ, निगेटिव से निगेटिव कट कर लूँ तो बी क्या हो जाएगा? क्या फाइव एक्स बाई सिक्स एक्स नहीं हो जाएगा? तो बी आ गया। जिसको ना समझ में आए वो ऐसे करे। बोलो सर। हाँ सर, ये जो आप लोग कहते हैं 5/6 का स्क्वायर माइनस 5/6 का स्क्वायर, हाँ, तो जब सर ये जीरो ही होना है तो इसको लिखी क्यों? हाँ, क्योंकि एक इसका पक्ष इंक्लूड किया गया है और बाकी उधर चले जाएंगे फालतू वाले। हमें आइडेंटिटी तो बनानी है ना, नाम ही है, हेडिंग है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्क्वायर कैसे बनाओगे, आइडेंटिटी कैसे लगाओगे अगर आपके पास बी स्क्वायर नहीं होगा? एक बी स्क्वायर तो यूज करोगे, बाकी उधर ले जाओगे। बोलो सही। तो क्या मैं इसे 3x माइनस 5 बाई 6 लिख दूं और इसका होल स्क्वायर? देख लो, यही आइडेंटिटी लगाई है। अच्छा, फिर राइट में क्या चला जाएगा? 6 जाएगा वो माइनस में जाएगा, और 5 बाई 6 कैसा जाएगा? प्लस 25 बाई 36। तो ये चीज हो गई। अब जरा देखो, इनका एलसीएम लो, 36 यहाँ कितना आ जाएगा? अब भाई ये 36 आया है तो 200 ये चीज आ जाएगा 216, और यहाँ कितना आया, और ये क्या हुआ? बोलो, बात समझ में आ गई? एलसीएम लिया ना, 1 से 36 में डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो। ओके, तो 191 लिखिए, माइनस 191 बाई 36। अच्छा, अब इसका ये स्क्वायर है तो क्या रूट ले लोगे? और रूट लोगे तो क्या प्लस माइनस लगाओगे? बताइए।
अच्छा अब 3x को क्या लिखोगे? प्लस माइनस, ऊपर रूट रहने दो -191, और नीचे का रूट हटाओगे तो क्या नीचे 6 बचेगा? अच्छा अब 5/6 को उधर ले जाओ तो क्या वो +5/6 हो जाएगा? अच्छा 5 को पहले लिख लो और प्लस माइनस रूट -191 लिखो, और नीचे क्या दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर है इसलिए 6 नीचे लिख दो। और इसका 3 क्या करोगे, क्या वो भी नीचे जाएगा? तो x क्या हो जाएगा, 5 प्लस माइनस रूट -191/18, ये वैल्यू हो गई। अच्छा एक बात और बताओ, क्या एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे? तो x इज इक्वल्स टू 5 प्लस रूट -191/18 और 5 माइनस रूट -191/18, ये दो आंसर आ गए। दीज आर टू रूट्स, ये अब आगे सॉल्व नहीं करना है, वो निगेटिव है, रूट के अंदर निगेटिव है, ऐसे ही वो इमेजिनरी नंबर है कि किसी का रूट निगेटिव का रूट थोड़ी ना निकलता, ये इमेजिनरी वैल्यू है। अभी हम और दे रहे हैं। अच्छा देखो, एक ऐसी चीज लेते हैं जो हमें पता है, जिसका हमको रूट, जिसके फैक्टर्स मालूम है। क्या ये सवाल आप कर सकते हो? -5x+6, ये 9th में भी था। बोलो 6 के ऐसे फैक्टराइजेशन कर सकते हो जिससे कि -5x आ जाए? बताओ। बिल्कुल -3 -2 सही किया है। तो अब जरा देखो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे। सो वी विल सॉल्व इट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आप जरा देखें, तो पहले लिखो एक्स स्क्वायर और अपने मन से लिखो -2 इंटू ए। अब बताओ बी क्या लिया जाए सीजन, जो आप कहेंगे वो हमें लेना पड़ेगा। हम 5/2 बोलो, 5/2 ठीक रहेगा, वही आना चाहिए जो बीच में, अपने मन से चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अब बी स्क्वायर क्या लें, तो 5/2, क्योंकि उसके बिना हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट नहीं होगी। जब उसको ऐड किया है तो उसे सब्ट्रैक्ट भी करो, और +6 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये, क्योंकि अगर आप मान लो ए स्क्वायर और -2ab लिखते हो और अपने मन से बी स्क्वायर एक चाहते हो कि मुझे बी स्क्वायर मिल जाती तो मेरी आइडेंटिटी बन जाती, आपने जोड़ भी दिया, लेकिन क्या अपने मन से किसी एक तरफ के इक्वेशन में कोई एक चीज़ जोड़ी जा सकती है? नहीं जोड़ी जा सकती है। तो अगर आप नहीं भी जोड़ना चाहते, मान लो आप कहते हो ये तो फालतू मेथड है, तो दूसरा मेथड है एक्स स्क्वायर -2x और 5/2 स्क्वायर, और आप यहाँ 5/2 का स्क्वायर तो लिखोगे ना और +6, तो इधर जोड़ा तो दूसरी तरफ नहीं जोड़ोगे भाई, इधर जोड़ोगे तो इधर भी तो जोड़ोगे, तभी तो इक्वेशन बैलेंस रहेगी। तो उधर जोड़ दो, अब वो चीज़ इधर आएगी तो क्या निगेटिव नहीं हो जाएगी? तो आप इधर क्यों लाओ, सीधा उधर ही ना जोड़ो, ये ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं है? हम इधर क्यों लाए, हम उधर ही सीधा रखें, हमने इधर भी जोड़ा इधर भी जोड़ा। बोलो बात सही है? ये क्या बन जाएगा बोलो, बी की वैल्यू इसको इसको ऐसा लो कि 5x आ जाए। बताओ यहाँ फालतू क्या है, 2 2 जो है 5x नहीं आने देगा, तो डिवाइड कर दो 2 से, और जो चाहिए वो ऊपर लिख दो, जो फालतू है उससे डिवाइड कर दो, और जो आपके मन का है वो ऊपर लिख दो। अच्छा अब ये क्या आ जाएगा, क्या एक्स -5/2 का स्क्वायर आ जाएगा आइडेंटिटी से? अच्छा राइट हैंड साइड में क्या आएगा बताओ, 25/4, और -6 भी ले जाओ, 6 भी तो उधर ले जाओगे। बोलिए, तो
अच्छा ए लिखोगे 25, तो ये क्या लिखोगे? देख लो, 24 हुआ, 1/4 या 4, अब 4 से 6 किया तो 24, और इधर क्या हुआ बताइए? ये देखो, क्या ये 1/4 आ गया है, और 1/4 है, और इसका रूट ले लो और प्लस माइनस लगा दो, तो क्या यहाँ पर एक्स माइनस 5/2 आ जाएगा? और एक्स माइनस 5/2 को क्या मैं प्लस माइनस 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि अब ये रूट हट गया, 4 का स्क्वायर रूट लो जरा। सॉल्व बाद में किया जाता है, देख के, ये एक स्टेप है, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। रूट लगाने से ही हमें प्लस माइनस लिखने का अधिकार मिलता है, ठीक है? अब देखो, 5/2 इधर ले जाओ और प्लस माइनस 1/2 उधर, प्लस हो गया, टू इनका कॉमन डिनोमिनेटर है, तो 2 को नीचे लिख दो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बताइए? क्या 5 + 1/2 आई है और 5 - 1/2 आई है? एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस, तो बताइए कितनी कितनी आ गई। अच्छा, और अगर मैं इसको ऐसे करता तो कैसे करता? तो x² - 3x - 2x और +6 = 0, तो भी क्या वही आती? अब देखो, तो क्या x² आ जाता या x³ आ जाता, तो भी क्या वही रूट होते भाई? ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे किया कि जो सवाल आपके फैमिलियर हैं उसको तो वैसे कर लें, ये तो 9th से चला आ रहा है सवाल, आपके साथ है, पॉलिनोमियल में भी था, तो उसको इस तरीके से करके दिखाया कि अब जिससे आपको विश्वास हो जाए कि चीज़ सही आती है। सर, तो क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्स में देंगे तो उसके आगे लिखेंगे क्या, बोलो कि कौन से मेथड से करना हाँ, वो है? लिखेंगे, अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है तो 4 नंबर का है, ये है तो 2 नंबर का है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सस्ता आता है। चलो, अब हम क्वेश्चन करते हैं, आपकी बुक में दिया है दैट इज 9x² - 15x + 6, जरा इसे देखो, दो सवाल दिए हैं, दोनों को करते हैं। पहले दिया है पेज नंबर 77 पे, +4x - 5, ये दिया, इसे करो। x² + 2 × x, यश बताओ क्या लिखें बी की वैल्यू? 4/2 लिख दें या सिर्फ 2 लिख दें? अब क्या करें? अब हाँ, ओके, अब क्या करें? ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, a² + b² + 2, अभी का फार्मूला लगाओ, बोलो। x + 2² यस, समझ में आई बात? अच्छा, -2² है तो -4 - 5, अब क्या करेंगे? क्या ये -9 है जो उधर जाके +9 बन जाएगा? हाँ बोलो। अच्छा, माइनस बाहर है, कोई -2² थोड़ी है, ऐसा है क्या? अब देखो, x+2 क्या होगा? ये प्लस माइनस, तो इधर क्या वैल्यू आ जाएगी x+2 की? क्या +3 आ जाएगी? तो x क्या आ जाएगा? -2 + -3,
तो एक्स क्या आ जाएगा, माइनस टू माइनस थ्री और माइनस टू प्लस थ्री, तो एक्स क्या आ जाएगा वन। सो माइनस फाइव एंड वन, दीज आर द टू रूट्स। ओके, अब जरा देखें दी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले पेज पे देखो, 78 पेज पे। तो 78 पेज पे क्वेश्चन दिया है कि 9x² और -15x और +6 इज इक्वल टू 0। नाउ इसको श्रेयान आप बताओ जरा कैसे कैसे लिखें बेटा, बताओ क्या 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 लिखे हैं इसको, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओ। नाइन एक्स स्क्वायर तो नहीं लिख सकते हैं इसको, कुणाल आप बताओ, कुणाल कुणाल है, हो सकता है कुणाल बता ही दें, पूछ लेते हैं। ओके नाउ ईशान आप बताइए। थ्री एक्स का होल स्क्वायर, हाँ माइनस टू एक्स ही लिखोगे, ए पूरा नहीं लिखोगे, टू ए भी लिखा जाएगा ना। अब भी बताओ हाँ, क्योंकि जो फालतू की चीज है उसे डिवाइड कर दो, उसे हटा दो। अब क्या लिखे हैं? अच्छा -15/6 का होल स्क्वायर और देखो कुछ हमने गलती की है, क्योंकि यहाँ 3 मेरे फालतू का नहीं था, हम 3 था, 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो 15 आ जाता। अब चलो गलती की है तो इसे फिर सिंपलीफाई कर लो, 3 से ऊपर नीचे डिवाइड करके, ये हमारा बी जो है सिंपलीफाइड नहीं है, हमने एक्स्ट्रा चीज़ें ले ली, समझ में आई बात की नहीं। चलो 15/6 अच्छा क्या लिख रहे हैं, आप जरा 3 से इसे डिवाइड करो। और +5/2 का स्क्वायर और माइनस, चलो यहाँ तक बात हो गई। आगे बताइए कौन बता रहा था, कुणाल बता रहे हैं कि ईशान, बोलो। हाँ बोलो। जो कि 25/4 होगा। अब इसका ले लो, ठीक है, तो ये 1/4 आ गया। अब 1/4 का क्या करोगे? अच्छा रूट ही लिख दें, ठीक रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक ही आंसर हाथ लगेगा, आप जैसा कहोगे हम वही करेंगे। चलो 3x-5/2 क्या आ जाएगा, तो फिर 3x क्या आ जाएगा, बेहतर है कि इसको पहले लिखा जाए। तो अब यहां देखिए कि 3x की वैल्यू क्या 5+-1 और नीचे कॉमन डिनोमिनेटर है, 3 को भी यहां ले आओ तो 6 हो गया, तो x क्या हो गया, देखिए यही आंसर आया बुक में, अगले पेज पे देखो 79। चलिए अब हम
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3x² - 5x + 2। आयुष बताएंगे इस सवाल को, आयुष बोलो। थ्री एक्स स्क्वायर तो नहीं ले सकते हो, या तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 9x² बना लो तब तो कुछ सही बात बन जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 9x² रहेगा तब फिर आप उसे 3x का होल स्क्वायर ले सकते हो ना, नहीं तो √3x लेना पड़ेगा उसका स्क्वायर। क्या ठीक लगता है आपको, 9x² और यहाँ क्या आ जाएगा और +6, क्या ये वही सवाल हो गया है जो पीछे किया है? तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ रूट, अच्छा चलो, सो 3x² - 5x + 2 = 0, सो √3x का होल स्क्वायर -2 × √3x। अब मुझे ऐसा क्या लिख देना चाहिए कि जिससे b क्या ले लें, तो क्या मैं अगर 5√3 ले लूं और बाई 2 तो मेरा काम बन जाए? देख लो, √3 × √3 क्या होता है, क्या 3 होता है, और 3 का 5 में मल्टीप्लाई करो तो भी तब भी नहीं आएगा, इसलिए ये चीज गलत ली गई है। √3 तो √3 नीचे ले लो, वो फालतू की चीज है, क्योंकि उसे भी भगाना पड़ेगा, √3 नहीं चाहिए ना, सिर्फ 5 चाहिए ना आपको। तो अब मैं क्या करूं, क्या 5/√3 का स्क्वायर लिखूं? अच्छा अब क्या होगा, यहां तक सीजन समझ में आई बात, बताओ। अब ये √3x - 5/√3 का स्क्वायर, बाकी चीजें उधर ले जाओ तो उधर जाएगा तो -2 होगा, इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा, ऊपर तो 25 और नीचे √3 का स्क्वायर करोगे तो देखो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आया 3×4 = 12। इसका एलसीएम ले लो तो कितना आया, ये हो गया √3x - 5/√3 का स्क्वायर, ये कितनी वैल्यू आ गई, क्या 1/12 आया। और अब इसका रूट लो और प्लस माइनस लगाओ, ऐसा करने से यहाँ क्या बचेगा, करेक्ट, यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये मुझे बता दीजिए कि अगर मैं √12 को क्या लिख सकता हूँ, क्या इसे 2×2×3 लिख सकता हूँ √12 को, और उसमें जो जोड़े में है वो बाहर आ जाएगा और जो जोड़े में नहीं है वो अंदर फंस जाएगा, तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, +-1/√3 बचेगा। अच्छा इस चीज को भी उधर ले जाओ तो +5/√3 और यहां क्या बचा √3x। राइट हैंड साइड में ऊपर ऊपर की चीज एक साथ लिख दो, 5 पहले लिख देता हूँ और नीचे √3 लिखो, और यहाँ x है, x ही रखो और इसका √3 भी नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, 5+-1 और नीचे आ जाएगा √3 × √3 = 6। तो अब जरा सोचो x क्या आएगा, ये ठीक है, सो x = 6/6 और 4/6 या x = 1 और 2/3। बोलिए ठीक है, समझ में आ गई ना बात आपको, बस जिसने b निकालना सीख लिया आगे का काम तो कर ही लेगा, b निकालना है आपको, b
बी देखते रहो हर सवाल में, उसी से आ जाएगा। अब हम एग्जांपल सेवन लेते हैं, कह रहा है इसको कंप्लीटिंग द मेथड स्क्वायर से करो। अभी भी बात अधूरी रह गई है, आयुष से हमें पूछना था इसको कैसे करें। आयुष आप मुझे उस चीज़ से मल्टीप्लाई करो जिससे ये होल स्क्वायर बन जाए, वो मेथड सरल है। बोलो किससे मल्टीप्लाई करें। बोलो नहीं नहीं आयुष को बताने दो, मुझे ये पता चल जाएगा ना कि समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर उसी के बेसिस पे मैं आगे बढ़ूंगा। चलो टू से कर दिया तो 4x² और माइनस 10x और प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 6। अब बताओ आयुष आगे क्या करें। बोलो यहाँ क्या लिखें। 2x का होल स्क्वायर, अब यहाँ क्या लिखें, 2 लिखा, आगे बताओ। टेन अपॉन टू तो नहीं लिखते, 2ab, अब a नहीं लिखोगे, a कितना लिखूं, 2x, अब बताओ जो बोलना है, b अब बता दो। टेन अपॉन टू करने से ठीक रहेगा, मैं तो कहता हूँ 5/2 ही कर लो, क्योंकि एक फालतू 2 है वो कट जाएगा, 5×2 = 10 आ जाएगा। बोलो और ना समझ में आए तो सीधा लिखना -2 × 2x और × b इज इक्वल टू -10x। जिसको दिमाग नहीं लगाना है उसको तो यही करना चाहिए, बी कह दो हमें आता ही नहीं है, हमें तो ऐसे ही करना, तो माइनस है ठीक है, और उससे छोटा भी होता है। चलो दैट वी विल सी, दैट इज यहाँ पर क्या होगा, x से x कट गया तो b क्या आ गया, 10/4, तो आ गया कि नहीं 5/2। अब बताइए क्या करें आयुष। फिर इज इक्वल टू 0, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, लगाओ 2x - 5/2 होल स्क्वायर ठीक है। चलो इसमें 4 ले लिया, एलसीएम ले लिया, वन बाई फोर आ गया, और 1/4 का आप रूट भी लो और प्लस माइनस लगाओ, तो 2x - 5/2 क्या आ जाएगा, तो 2x क्या आ जाएगा, 5/2 पहले लिखो, सो 2x इज इक्वल्स टू, ये बात सही है। तो अब x क्या आ जाएगा, ये 2 नीचे आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6/4 या 4/4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई। बोलो क्लियर। ओके अब अनीशा आप 8th क्वेश्चन बताएं। नाउ एक मिनट मैं देखता हूँ कहाँ पे, हाँ 1 का रूट तो 1 ही होता है, 1 का जोड़ा बना लो। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8। तो ये क्या कहता है, 5x² - 6x - 2 = 0। बताइए अनीशा क्या कर रही है। चलिए
अब बताइए क्या करें। ये सही किया, 3 से आ जाएगा ना, 5 2 जाकर, ये सही है। अब चलिए अब क्या करें। उधर ले जाओ, उधर ले जाओ सारा, माइनस 9 उधर गया तो 9, ठीक है। तो 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये 19 हो गया। आप बताइए क्या करें। ठीक रहेगा रूट 19। हाँ चलो, तो 5x क्या हो गया, तो x क्या हो गया, ये सही है। अब दो रूट कौन कौन से हो गए, सो तो क्या देख लो, यही आंसर है बुक में। आगे अगला क्वेश्चन सीजन सीजन बताएंगे। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9 है 4x² प्लस 3x + 5 इज इक्वल टू 0। बोलो सीजन, बोलो। प्लस कह सकते, -5। तो राइट में क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, अब इसको सॉल्व तो कर लो। निगेटिव में, हाँ अच्छा, अब रूट लगा लो और प्लस माइनस लगा लो, ये है। तो कभी भी ये बताओ कि मान लो मैं ऐसा कह दूं कि x² इज इक्वल्स टू -4, तो x की वैल्यू प्लस माइनस और रूट -4, ऐसी x की वैल्यू रखो कि -4 आ जाए, कुछ है आपके माइंड में, है तो बताओ। तो ये निगेटिव का रूट कभी सॉल्व नहीं होता, क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं, किसी का स्क्वायर निगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए ये वैल्यू जो है इमेजिनरी है। इसको कहते हैं नॉट रियल रूट्स। कैसा रूट्स है, इसके रूट्स कभी रियल आ ही नहीं सकते, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, क्या इसका रूट रियल आएगा कभी, क्या इसकी ऐसी दो वैल्यू निकाल सकते हो जो रियल हो, या आपके मन में कोई ऐसी वैल्यू आती हो तो मुझे बताइए कि मैं स्क्वायर कर दूं और -4 आ जाए।
इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, ऐसे ऐसा कोई एक्स है जो यहाँ रख दो और चार जोड़ दो तो जीरो आ जाए? ऐसी कोई एक्स की वैल्यू है कि स्क्वायर करने के बाद और चार और जोड़ने के बाद जीरो आ जाए? बोलो, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर हमेशा क्या होगा? प्लस, और प्लस में और प्लस करोगे तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि वही तो फोर इधर लेके गया हूं, यही तो फोर इधर गया और फिर स्क्वायर रूट किया। तो ऐसी जब चीज आ जाए तो क्या बोलोगे आप, ये कैसे रूट्स होंगे? नॉन रियल रूट्स, निगेटिव का रूट नहीं निकलता। अब जरा देखो, नीचे 16 है तो इसका रूट निकाल लो तो क्या हो जाएगा? नहीं, रूट फोर नहीं आएगा, फोर आएगा। तो 2x की वैल्यू क्या आएगी? क्या माइनस 3 बाई फोर और प्लस माइनस माइनस 71 बाई फोर? तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 3 प्लस माइनस रूट माइनस 71 बाई फोर। तो x क्या आ जाएगा? एट आ गया। तो इससे x की क्या वैल्यू आ गई? क्या कोई रूट रियल निकला? नहीं निकला। तो इस तरीके से x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस रूट माइनस 71 बाई 8 और माइनस 3 माइनस रूट माइनस 71 बाई 8। ठीक है, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। गिवन क्वाड्रेटिक, अच्छा बुक ने क्या किया है वो भी बता दूं। रूट्स, ये जब सीजन यहां पे पहुंचे तो बुक ने यहीं पे बात टर्मिनेट कर दी, बात खत्म कर दी। बोला कि 2x प्लस 3 बाई 4 का स्क्वायर कितना आया? क्या वो माइनस 71 बाई 16 आया? चेक करो। क्या किस, और ये निगेटिव वैल्यू है क्या? एज स्क्वायर ऑफ एनी रियल वैल्यू कैन नॉट बी निगेटिव, सो दिस हैज नो रियल रूट्स। बात खत्म, इसके आगे सॉल्व ही नहीं किया। देख लो बुक में, पेज नंबर 82 में। यही तो करना ही है आपको, ये सब तो करना ही नहीं है, यही करना है, यही करना है, इसी में मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ गई बात? हाँ, ये जो बताया है ये आपकी एक्सरसाइज 8.3 है, 4.4 है, वहां पे ये करना है, ये 4.4 में करना है, 4.2 में ये करना है। हाँ, वो सब लिख दिया है, ये अभी जब लास्ट एक्सरसाइज पे पहुंचोगे वहां पे ये करना है। तो हमने पहले ही बता दिया, हमने कहा बता रहे हैं तो क्यों ना बता दिया जाए ये काम। नॉट इक्वल नहीं आएगा, नॉट इक्वल थोड़ी है, इक्वल ही चल रहा है, कहाँ से नॉट इक्वल आ जाएगा, सब कुछ इक्वल ही तो चल। ये ना, हाँ तो माइनस 71 बाई 16 क्या निगेटिव है? इसको कहते हैं निगेटिव लेस देन जीरो। इसे क्या पढ़ा जाता है? लेसर देन जीरो। तो दिस इज लेसर, जिधर की ओर नोक है, जिधर दरवाजा बंद है वो वैल्यू छोटी है और जिधर दरवाजा खुला है वो बड़ी है। अमीरों के लिए दरवाजा खुला, गरीबों के लिए बंद, तो जीरो बड़ा है, ये छोटा है। बोलो, समझ में आ गई? ओके, नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन। तो अब वो कह रहा है कि आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको सॉल्व करो और उसके रूट निकालो। सो फाइंड रूट्स ऑफ, ये हमारा फार्मूला भी बन जाएगा जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। फाइंड रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसका रूट निकालो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अब जरा देखो, यश ये मुझे बताओ अब मैं इसको कैसे करूं? इसको पूरे को
कर दिया। अगला बताओ। सर ए एक्स का होल स्क्वायर ले ले प्लस टू इनटू इनटू टू सर। टू तो लिख दिया ना, अब आगे बताओ। ए एक्स, अब बी की वैल्यू बताओ क्या लें। बी ऐसी कुछ बता दो ये आ जाए। बी बाई ए ले लें, बी बाई टू ना लें। चलो अब क्या लें। चलिए इज इक्वल टू जीरो। अब अगला बताओ। फोर कॉमन ले लिया, फोर ये एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया। ये आ गया, यहाँ तक तो हो गया। एलसीएम समझ में आया ना, फोर वन से फोर में डिवाइड किया फिर ये कर दिया। इसको पहले पॉजिटिव वाली टर्म ले लो और इसका ले लो रूट और लगा दो प्लस माइनस, तो यहाँ क्या बचा। अब क्या करें सर, AX equal to नहीं चलो ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू करना चाहते हैं वही हम भी कर देते हैं। इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू और प्लस माइनस माइनस बी रूट बी स्क्वायर माइनस ए फोर ए सी अपॉन फोर। टू ना लिख दें, फोर का तो स्क्वायर रूट निकल। हाँ, क्या अब कॉमन डिनोमिनेटर हो गया है। अच्छा ये बी स्क्वायर ये है और अपॉन टू, बोलो बात समझ में आ गई। यस सर। तो फिर एक्स क्या हुआ। एक्स हुआ माइनस बी प्लस माइनस होल ब्रैकेट सब की रूट और अपॉन में सर टू इनटू ए। अच्छा ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया, इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। जरा देखें इसकी सच्चाई की जांच करें कि बोलो हिमांशु इसके दो रूट्स क्या होते हैं, इसके रूट्स पता हैं। हिमांशु हैं क्या, अदरवाइज अमित कुमार आप हैं। हिमांशु बोलो इसके दो रूट सभी निकाले थे क्या होते हैं। हिमांशु इज नॉट आंसरिंग। इन दैट केस नाउ अमित कुमार भी नहीं, हिमांशु हैं तो बोलिए। हिमांशु बोल नहीं रहा, फिर अमित कुमार नहीं है। ओके नाउ श्रेयान आप बताइए इसके टू रूट्स क्या थे। इसके टू रूट्स क्या थे, थोड़ी देर पहले टू एंड थ्री निकाले थे। टू एंड थ्री तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई थी, टू एंड थ्री। टू रख के भी देख लो पता चल जाएगा, बिल्कुल सेटिस्फाई होता है। टू एंड थ्री निकाली थी। अब जरा देखो ए की वैल्यू वन और बी कितना है, क्या माइनस फाइव है, और सी कितना है, क्या सिक्स है, सही है। तो एक्स क्या हुआ माइनस बी, माइनस बी रखा कि नहीं ऊपर देख लो। अच्छा प्लस माइनस और रूट के अंदर
जो भी बी है, जो भी हो उसका स्क्वायर, और माइनस फोर ए और सी कितना है, क्या सिक्स है, और अपॉन टू इंटू ए, तो क्या ये फाइव आ गया, और ये 24 आ गया। तो अंदर में क्या आया रूट के, क्या रूट वन आया, अच्छा तो x की वैल्यू क्या आ गई, क्या 5 प्लस माइनस 1 बाई 2 आई, तो x कितना आ गया, क्या 5 प्लस 1 बाई 2, तो x क्या, तो क्या वही चीज आ गई। अब ये तीसरा मेथड हो गया भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी इसे किया, एक क्वाड्रेटिक फार्मूले से किया, और एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो तीन मेथड है रूट निकालने के। बोलो इस फार्मूले से, इस फार्मूले से आपको समझने के लिए हम एग्जाम्पल 10 करते हैं, तब समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल 10 को मैं करता हूँ और आप देख लो कैसे किया। कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। तो एग्जाम्पल 10 में एक सवाल था कि लेंथ अगर एक्स है और ब्रेथ कितनी है, ये मतलब ब्रेथ एक्स है और लेंथ 2x प्लस 1 है, और इसका एरिया कितना था बताओ, चलो तो x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 to 8, ऐसा क्यों था, क्योंकि एल बी की वैल्यू क्या होती है, एरिया। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। बोलो ठीक रवीन, समझ में आई बात, अगर आ गई है तो a की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू, c की वैल्यू, चलो अब ये मुझे बताओ कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है x इज इक्वल टू, अब ये तो आप बताइए, माइनस बी प्लस माइनस, अभी तो प्रूफ किया, मतलब वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से तो प्रूफ किया ना। सर कौन सा फॉर्मूला, ये देखो हमने इसमें ऊपर अभी यस नहीं तो कराया, कोई हमने थोड़ी ना किया है, हाँ अभी समझ में आई कि नहीं ये चीज, यस तो ही करा रहा था। ये देखो तो माइनस बी और प्लस माइनस, बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a, बोलो यही है, चलो अब इसमें सारी वैल्यू रखो, बी की वैल्यू 1, निगेटिव अलग से है, अगर बी में निगेटिव है तो दो निगेटिव साइन आएंगे, खैर हमारे पास तो अभी पॉजिटिव है, पिछले सवाल में निगेटिव था तो दो आए थे, बी का अपना साइन भी होगा। अच्छा 1 का स्क्वायर और माइनस 4a कितना है, a2, और ये माइनस 5 to 8, चलो और अपॉन 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 2, तो ये रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 और माइनस माइनस तो प्लस हुआ, हाँ देखो 8 का मल्टीप्लाई करो इसमें, माइनस और माइनस तो प्लस कर दिया, 8 × 2 = 16, 6 = 22 और 8 × 3 = 40, तो 4224 आ गया, और अपॉन 4, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 4 अपॉन 4, 4225 है ना, तो पीछे से जोड़ा बनाया जाता है, पीछे से बनाना हमेशा जोड़ा, और फिर यहाँ पे देखो 42 है, तो किससे किससे करूँ, जो यहाँ लिखो वही यहाँ लिखो, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, 42 को 6 से कर दें, 6 6 या 36 मैक्सिमम है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और अगले दो डिजिट उतार लो, ये वैल्यू इसके नीचे लिखो,
इन दोनों को ऐड करो, क्या 12 आई? 12 के आगे जो यहाँ लिखो वही यहाँ लिखो, कितना लिखो? 12 के आगे मान लो यहाँ 5 लिखा और यहाँ 5 लिखा, तो 125 जा क्या होता है? 125 इंटू 5 दैट इज 625, तो क्या आ गया बताइए? स्क्वायर रूट 65। जो ऐसा न कर सकें वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें और फिर जोड़े बना लें। जैसे 4225 है तो इसको क्या कर लीजिए 13 से करो, तो 13 3 जा कितना होता है 39, तो तब कितना बचेगा? क्या 32 बचेगा? और 32 से क्या आएगा 13 2 जा कितना होता है 26, तो 26 से क्या 65 बचेगा? और 13 5 जा 65, फिर 13 से करो 13 2 जा कितना होता है 26, फिर ये 65, तो 5 आ गया, फिर 5 से करो तो 5 5 जा और 5 5 जा, तो बोलो ये किसका जोड़ा बना? 4225, इट इज रूट 13 इंटू 13 इंटू 5 इंटू 5, तो एक 13 बाहर आ गया एक 5 बाहर आ गया, क्या 65 हुआ? अब देखो -1 और +-65 है, तो एक बार +65/4 लो और एक बार -65/4 लो, तो ये कितना आ जाएगा? 64। और यहाँ से 6/4, ये वैल्यू कितनी आई? 4 से करो, 4 1 16। क्या ध्यान है कि यही वैल्यू आई थी? आप लोगों ने ये सवाल किया था, यही दो वैल्यू आई थी। तो ये डिस्कार्ड कर दिया, डिस्कार्डेड, एज साइट कैन नॉट बी निगेटिव। और ये सेलेक्टेड हो गया, तो ब्रेथ कितनी हो गई? 16। और लेंथ कितनी हो गई? लेंथ 2x+1 33। ये ठीक है, इतनी बात हो गई। प्रांजल भी है ना? ओके नाउ अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 11 की। एग्जाम्पल 11 में आइए, कह रहा है कि दो ऐसे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर बताइए जिनका सम ऑफ हूज स्क्वायर, कोई भी दो लगातार जो ऑड इंटीजर पढ़ेंगे जैसे 3 और 5 है उनके बीच में कितना डिफरेंस होता है? 2 का। सो लेट टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स आर एक्स एंड एक्स प्लस 2, दो का डिफरेंस होता है तो अगला वाला 2 जोड़ दो तो आ जाएगा, जैसे 17 है तो अगला क्या होगा 19 होगा। अच्छा इनके स्क्वायर्स का सम क्या बता रहा है क्वेश्चन में? सम ऑफ हूज स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2 और प्लस 2 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 2x स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस 4 -290 = 0, ये कितना हो जाएगा? 2 86, 2 से डिवाइड कर दो ये चीज आई है। अब वो क्या पूछना चाहता है? कह रहा है क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करो, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के लिए कुणाल आर यू देयर? बेटा बताओ ए बी सी की वैल्यू और क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला? छ
चलिए अब मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला बताइए। सर एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। टू ए उसके इनमें वैल्यू पुट कर देंगे। कर देते हैं तो माइनस ऑफ टू लिख लो और फोर ए और माइनस 143 और 2 इंटू ए तो 4 माइनस 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 प्लस हो गया 143 में 4 का मल्टीप्लाई करो 572। अच्छा ठीक है 572 और डिवाइडेड बाय 2 तो माइनस 2 प्लस माइनस में क्या आ गया 576 बाय 2। अब इसका 576 है पीछे से जोड़ा बनाओ तो एक सिंगल डिजिट बचा आगे तो 2 से करो तो 2 जा 4 तो 176 आ गया। इसको इसके नीचे लिख दो और इन दोनों को जोड़ दो कितना आया 4 के आगे जो यहाँ लिखना वही यहाँ लिखना बोलो क्या लिख दें। फोर लिख दें 44 जा क्या होता है 176 तो 24 आ गया वरना प्राइम फैक्टराइजेशन से करो माइनस 2 प्लस माइनस 24 बाई 2। नहीं होगा तो फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा जब नहीं बनेगा जोड़ा तो वही लिख देना जो चीज़ अंदर फंस जाए उसको बचा लेना। मान लो किसी का किया और 2 × 2 × 3 × 3 × 13 आ गया तो जो बाहर निकल जाता है वो निकाल लेना और जो फंस जाए फंसे रहने देना ऐसे कर देना। जरूरी थोड़ी कि परफेक्ट स्क्वायर हो किसी ने किसी का तो जोड़ा बनेगा बोलो। माइनस 2 है अब सब में से 2 कॉमन ले लो जरा तो क्या होगा लेना हो ले लो नहीं तो सिर्फ सॉल्व तो करना ही कट ही जाएगा 24 बाई 2 और माइनस 2 माइनस 24 बाई 2 तो क्या वैल्यू आ जाएगी ये 22 बाई 2 आ जाएगी और ये क्या आएगी 11 आ जाएगी और माइनस 13। ये किसी कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है कि नहीं कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर एज इट इज़ गिवन एज इंटीजर इज पॉजिटिव तो ये रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड एज गिवन इंटीजर्स आर पॉजिटिव। अच्छा तो फिर वो दोनों इंटीजर्स प्रांजल क्या हुए सर 11 और 13। ये बात सही है क्योंकि एक x था और एक x प्लस 2 था सो इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 2 11 एंड 11 प्लस 2 11 एंड 13 ये बात है। अगर हम ये रिजेक्शन का रीजन ना लिखते हैं तो नंबर कटते हैं लिखना पड़ता है कुछ टीचर काट लेते हैं सो ये इसलिए सावधान रहना चाहिए टीचर कट किए हैं। हमारे बहुत सारे बच्चों के 50 में 49 मार्क्स आए हैं सिर्फ रीजन ना लिखने की वजह से तो कुछ भी लिख दोगे तो जस्टिफाइड है कुछ भी लिख दोगे तो वो फिर देखते नहीं कि हाँ रीजन लिखा है बस यही बात है। अब देखो नाउ देयर इज एग्जांपल 13 12 को बाद में करेंगे एग्जांपल 13 करो सबको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है तो 3x² - 5x + 2 = 0 प्रांजल बताओ ए बी सी की वैल्यू बताओ और फिर हम आगे रखेंगे। सर ए हो जाएगा 3 सर बी हो जाएगा -5 सर सी हो जाएगा 2। चलो फार्मूला क्या है -4 ऐसा नहीं है माइनस बी ना ठीक है माइनस भी हो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू
अपॉन 2a। अब यहां लिख देना यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ओके। नाउ प्लेस द वैल्यूज इसी में डालो, बताइए। फाइव है, ऐसे नहीं, पहले एक बार वैल्यू पूरी डाली जाती है। हाँ बोलो सर, -5² -4a, 3। ये सारी वैल्यू डाल ली, अब नीचे क्या आ गया, 2 × 3। चलिए अब ये 5 आ गया और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, अपॉन 6, तो क्या आ जाएगा सर, √1। तो x आ गया, सो x की वैल्यू क्या आ गई, तो इट इज 6/6 और 4/6, ये चीज हो गई। नाउ अगला क्वेश्चन अनीशा बताएं, सेकंड पार्ट। ए बी सी क्या है बोलो, ये एग्जाम्पल 13 है, पेज नंबर 85। क्वाड्रेटिक फार्मूला बताइए। ठीक है, वैल्यू प्लेस करिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ ये तो 16 हो जाएगा, और अपॉन 2। अब क्या आएगा आगे, और अपॉन 2, ये चीज आ गई। तो क्या होगा, अब ये जो चीज अंदर की है B² - 4ac, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, बिना रूट के इसको कहते हैं, B² - 4ac को कहते हैं डी। ये वैल्यू कैसी आई बताओ, क्या निगेटिव। सो एज डिस्क्रिमिनेंट B² - 4ac इज नेगेटिव, सो अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। सो अबव नो रियल रूट्स, ओके। नाउ थर्ड, हिमांशु आप हैं बेटा, बताइए इस सवाल को कैसे करें। और हाँ
फिर क्या किया जाए यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला? टू ए लिख दिया। चलिए वैल्यू प्लेस करिए। माइनस लगाना अंदर टू रूट टू में, बी की वैल्यू ऐसे लिखी जाएगी, और प्लस माइनस फिर अंदर में भी लगाओ उसका स्क्वायर विद साइन, हर एक चीज को रखना है। फोर इंटू टू इंटू वन, और रूट पूरे में लगाना है, फुल कवर करना है यहाँ तक, और अपॉन टू ए, ये कर दिया। तो अब क्या वैल्यू आएगी आगे बताइए हिमांशु। अंदर क्या आएगा, इससे क्या आएगा, जीरो बोला, तो इसकी वैल्यू क्या है? टू रूट टू, पहले रूट टू का स्क्वायर करो, तो टू और टू का स्क्वायर करो तो फोर, फोर इंटू टू क्या आएगा, नहीं तो अलग से करके देख लो ना, टू रूट टू इंटू टू रूट टू, तो रूट टू का करोगे तो क्या आएगा टू, और टू का टू से करोगे तो क्या आएगा, समझ में आई? तो एट माइनस एट, और नीचे क्या आएगा फोर। ओके नाउ नेक्स्ट क्या है? प्लस माइनस रूट जीरो अपॉन फोर, तो क्या वैल्यू आ गई, तो टू रूट टू, और प्लस माइनस जीरो है बाय फोर, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो होगा तो क्या दोनों रूट्स इक्वल होंगे? तो x की वैल्यू टू रूट टू प्लस जीरो बाई फोर और टू रूट टू माइनस जीरो बाई फोर, तो क्या इक्वल आ गए? रूट टू बाई टू, टू से टू कट गया और रूट टू बाई टू, कुछ लोग इसे वन बाई रूट टू भी लिखते हैं, उनका भी कहना ठीक है, क्योंकि टू क्या है, क्या रूट टू इंटू रूट टू है? बोलो, देखो इसे क्या लिख सकते हो, रूट टू अपॉन रूट टू इंटू रूट टू, ये बात सही है कि नहीं? टू को क्या लिखा जा सकता है? सो दीज आर रूट टू इंटू रूट टू, तो ये इसकी वैल्यूज हो गई। एग्जाम्पल 14 देखिए, एग्जाम्पल 14 क्या है, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू थ्री, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोलो 12 अभी नहीं, 12 कराएंगे, 12 कठिन सवाल है, उसको थोड़ा सा रुक के कराएंगे, सरल सरल करते जाओ। तो यहाँ पर x अगर हमने रख लिया तो बताओ LCM क्या आएगा, वन से एक्स में मल्टीप्लाई करो ना, वन से एक्स में डिवाइड करो, क्या आया एक्स, और एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर आ गया। नाउ ये एक्स स्क्वायर आ गया और प्लस, उसके बाद प्लस करिए, तो एक्स से एक्स में डिवाइड करोगे क्या आएगा, वन आ गया क्या? और अब इस एक्स को ऊपर ले जाओ, थ्री एक्स आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें ए बी सी की वैल्यू लिख लो, सीजन बताओ ए बी सी, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए,
एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। चलिए सो दिस इज इक्वल टू वन इंटू वन, ये बात सही है, और डिवाइडेड बाई, ठीक है ओके, सो दिस इज थ्री, और प्लस माइनस में क्या आ गया, क्या नाइन माइनस एट आ गया, बोलिए भाई, नाइन है, नाइन माइनस फोर आ गया, नाइन माइनस फोर लिखो तो क्या आएगा, थ्री प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू, तो इसके दो रूट्स क्या हो गए, सो रूट्स आर थ्री प्लस रूट फाइव बाई टू, ठीक है, एंड दो रूट्स हैं तो एंड लगा दो, मैंने पीछे और लगाया है तो आप एंड लगा देना, दो रूट्स हैं, समझ में आ गई बात, इज इट ओके, एक बार प्लस लगा दिया एक बार माइनस, सो दैट मच इज फॉर टुडे, आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, थैंक यू।